हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम में पूछे गए पैडागोजी एंड अदर स्किल्स से 40 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, विकास अनुदैर्ध्य यानी दोस्तों अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, शीर्षगामी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, समकालीन सिद्धांत बचपन को मानते हैं। तो दोस्तों समकालीन सिद्धांत बचपन को जो है एक सामाजिक संरचना मानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा करती है। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा जो है विविधताओं को समान करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों के कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, खाली स्थान में भरना यानी दोस्तों कौन कौन से जो है समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएँ हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, विद्यालय और जनसंचार जो है समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन से चार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है, इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, निकटतर्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कैरोल गिलिगन द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और अथायोग्य प्रतिक्रियाएं करती है, वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है, वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा गृहित जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि गुणा का प्रयोग प्लस के लिए किया गया है और भाग का प्रयोग घटाव के लिए, तो निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो दिए गए समीकरण का मूल बताना है क्या होगा? तो दोस्तों 39 के बाद घटाव दिया गया है, उसके बाद 23 दिया गया है, 23 के बाद दोस्तों भागा दिया गया है, तो भागा का प्रयोग घटाव के लिए किया गया है, तो घटाव हो जाएगा 21 + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 39 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 44 + 5। अब दोस्तों 39 - 39 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप खाली स्थान से खाली स्थान हो जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, संदर्भित चिंतनशीलता आधारित सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों वो विद्यार्थी जिन्हें वाच वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मानकृत आकलन को वर्जित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ समावेशन को बढ़ावा देती है
एक में दिया गया बाधा मुक्त पहुंच, दो में दिया गया सहायक यंत्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण, तीन में दिया गया समान या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प, फोर में दिया गया एक रूप संरचनाबद्ध पाठ्यचर्य और आकलन के तरीके। तो दोस्तों एक दो और तीन रणनीतियाँ जो है समावेशन को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अपसारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नव उत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, सृजनात्मकता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा जो है किस पर बल देती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, समता पर बल देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा, श्रव टेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्ष्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन तीन हो जाएगा, सभी अधिगमकर्ताओं को एक जैसा जवाब देने और एक जैसे तरीके का अनुसरण करने को उकसाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के लिए बाधक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, प्रक्रियात्मक आबद्धता या स्थिरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह के भाव का एहसास करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन तीन हो जाएगा, कुंठा का एहसास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है यदि जेड के बराबर 26 है, एन ई टी के बराबर 39 है, तो एन यू टी के बराबर क्या होगा बताना है। तो दोस्तों एन यू टी का निकालना है, तो एन का क्या होता है दोस्तों 14 होता है, यू का क्या होता है यू का 21 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है। यदि जोड़ेंगे दोस्तों तो 55 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन तीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविधि तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है खाली स्थान उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन तीन हो जाएगा, अधिगम उन्मुखी जो है लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नए संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा, नई जानकारी को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा, कंठस्थीकरण और शब्दशः संस्मरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, स्वनिर्देश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण है। तो दोस्तों अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण जो है विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है एक लड़की घर से 30 मीटर उत्तर पश्चिम जाती है, फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम जाती है, फिर 30 मीटर दक्षिण पूर्व जाती है, पुनः अपने घर की ओर मुड़ती है, वह किस दिशा में मुड़ रही है। तो दोस्तों ये हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ, हो गया ईस्ट, हो गया वेस्ट हो गया। इधर दोस्तों होता है ए डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, इसके बाद दोस्तों इधर होता है वेस्ट और साउथ, इधर होता है ईस्ट साउथ और इधर होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब दोस्तों बोल रहा है कि 30 मीटर जो है घर से उत्तर पश्चिम जाती है, यानी दोस्तों 30 मीटर उत्तर पश्चिम यानी ए डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इधर जा रहा है 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर उत्तर पश्चिम की जा रही है। उसके बाद दोस्तों फिर 30 मीटर जो है दक्षिण पश्चिम जाती है, यानी फिर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इस साइड में जाएगा, ठीक है, 30 मीटर। उसके बाद दोस्तों 30 मीटर फिर जा रहा है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ए हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा 30 मीटर। अब दोस्तों वह जो है पुनः अपने घर की ओर मुड़ती है, यानी घर से यहाँ से चल रहा है तो घर की ओर फिर इधर मुड़ रहा है, यानी दोस्तों बताना कि किस दिशा में मुड़ रही है। तो किस दिशा में मुड़ रही है, तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में मुड़ रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक आदमी की तरफ दिखाते हुए कमल ने कहा उसका एकमात्र भाई मेरे बेटी के पिता है। कमल
से उस व्यक्ति का संबंध किस प्रकार है? तो दोस्तों निकालिएगा तो चाचा आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या कौन सी है? तो दोस्तों विलुप्त संख्या बताना है यहाँ पर कौन सी आएगा। तो दोस्तों 40 का 3 गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 60 का 3 गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 90 का 3 गुना करेंगे तो 9 × 3 = 27 यानी 270 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 270, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा बताना है, ठीक है। तो दोस्तों दिया गया 13, 27, 56, 115, उसके बाद निकालना क्या आएगा। तो दोस्तों 13 × 26 + 1 करेंगे तो 27 आता है। इसी प्रकार दोस्तों 27 को 2 गुना करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे तो 56 आएगा। 56 × 2 + 3 करेंगे तो 115 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों 115 × 2 + 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों 234 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर उसे 20% की लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे का नतीजा क्या होगा? यानी दोस्तों पूरे सौदे में कितना प्रतिशत की लाभ या हानि होगा बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका ट्रिक लगाएंगे a + b + ab/100, ठीक है। अब दोस्तों ए का वैल्यू लेंगे 20% लाभ और बी का वैल्यू लेंगे 20% की हानि। अगर दोस्तों लाभ होगा तो प्लस मिलेंगे, हानि होगा तो माइनस मिलेंगे, ठीक है। तो 20 - 20 + - - माइनस हो जाएगा। 20 × 20 करेंगे 400/100, 2 × 0 = 2 कट गया, बच गया दोस्तों 20 - 20 - 4 और 20 कट गया तो बच गया -4 यानी दोस्तों 4% की हानि हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का जोगफल 2450 है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो दोस्तों धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे x, ठीक है। अब दोस्तों बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके वर्गों का जोगफल 2450 है यानी x² + x = दिया गया 2450, ठीक है। इसी को सोल्व करेंगे तो दोस्तों x² + x - 2450 = 0 हो जाएगा। अब दोस्तों x² + 50x - 49x - 2450 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों x + 50 हो गया और एक दोस्तों x - 49 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू हो जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा, एक -50 आएगा और एक 49 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा 49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा बताना है। यानी दोस्तों यहाँ पर 1 दिया गया तो 1² यानी 1³ 1 होगा, 2³ 8 होगा, 3³ 27 होगा, 4³ 64 होगा, 5³ 125 होगा, यहाँ पर 6³ आएगा तो 6³ 216 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 216, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है निम्न में से दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। यानी संख्या दिया गया 5, 11, 23, 47, 95, उसके बाद निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों 5 × 10 + 1 करते हैं तो 11 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों 11 × 22 + 1 करेंगे तो 23 आएगा। 23 × 46 + 1 = 47, 47 × 94 + 1 = 95, 95 × 190 = 1 करेंगे तो 191 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है। यानी बताना है दोस्तों कि 31 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो 31 से कम सभी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 11, 13, उसके बाद दोस्तों 17, 19, 23, 29, सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो 129 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है यदि किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करना है तो दोस्तों 70 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी कार्य को 180 व्यक्ति करे तो इसे समाप्त करेंगे यानी कितना दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों इसको MDH की फॉर्मूला पर बनाएंगे यानी M1 कितना दिया गया है, तो M1 दिया गया 270, D1 दिया गया 10, M2 कितना दिया गया 180, D2 निकालना है, ठीक है। इसी को सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 9³ 27, 9² 18, 2 × 5 = 10 यानी D2 = कितना हो गया 3 × 5 यानी 15 दिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।